राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करौली जी की कृपा होगी, आपके घर पे भी सब कुशल मंगल होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे बालक की कहानी सुनाऊंगा जो 5 साल की उम्र में यमराज से सामना करके उनसे ऐसा प्रश्न पूछता है और यमराज को उस प्रश्न का जवाब देने के लिए 2 बार भागना पड़ा, लेकिन अंत में उसे वो जब उसका जवाब देना ही पड़ा था। तो ये कथा है, कठोपनिषद में लिखी गई है हमारे ये नचिकेता की कहानी। कठोपनिषद में दी गई नचिकेता की कहानी में नचिकेता और यम के बीच हुई बातचीत के बारे में बताया गया है। नचिकेता ने यमराज से मौत के बारे में प्रश्न पूछा था। क्या था नचिकेता का प्रश्न और यमराज ने उस वाक्य का क्या उत्तर दिया? नचिकेता को दुनिया का पहला साधक जिज्ञासु माना जाता है। जब नचिकेता छोटा बालक था, उसके पिता ने एक यज्ञ करने की शपथ ली थी। यह एक ऐसा पवित्र अनुष्ठान था जिसने उन्हें अपनी सारी संपत्ति, सारी सांसारिक जरूरतों की चीज़ें जैसे अपना घर, अपना सारा सामान, यहाँ तक कि अपनी पत्नी और अपने बच्चे भी सभी ब्राह्मणों और ऋषियों को दान में देना था। इस तरह वे यज्ञ से अपना आप आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करते। यह एक ऐसा साधन है जिसे पारंपरिक रूप से रचा गया है। कुछ लोग आध्यात्मिक ज्ञान के लिए ऐसी शपथ लेते हैं। नचिकेता के पिता ने यह शपथ ली और उन्होंने अपनी सभी बीमार गायें और बेकार संपत्ति और जिन चीज़ों की उन्हें आवश्यकता नहीं थी, वो चीज़ें जो किसी न किसी रूप में उनके लिए बोझ बनी हुई थी, वे ही ब्राह्मणों और ऋषियों को दान में दे डाली। उन्होंने खूब दिखावा किया, मगर जिन चीज़ों की उन्हें वाकई ज़रूरत थी, जैसे अपनी दोनों पत्नियां और बच्चे को भी उन्होंने अपने पास रख लिया। नचिकेता यह सब देखकर बहुत ही दुखी हुआ। उसने देखा कि उसके पिता ने ईमानदारी नहीं दिखाई है। उसके पिता ने शपथ ली थी कि वह अपना सब कुछ दान करके आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करेंगे, मगर उन्होंने चालाकी की। नचिकेता इस बात से दुखी होकर और फिर अपने पिता के पास गया और इस बारे में उनसे बात करने लगा। उसकी उम्र उस समय मात्र 5 वर्ष थी, लेकिन उसमें असाधारण समझदारी थी। नचिकेता ने अपने पिता से कहा, आपने ठीक नहीं किया पिताजी। अगर आप सब कुछ देना नहीं चाहते थे तो आपने यह शपथ क्यों ली थी? एक बार शपथ लेने के बाद आपको सब कुछ दान दे देना चाहिए था। मुझे बताइए कि आप मुझे किसको दान में देना चाहेंगे? नचिकेता की ये बातें सुनकर उनके पिता बहुत क्रोधित हो गए और वे बोले कि मैं तुम्हें यमराज को दान में देता हूँ। यम मृत्यु के देवता होते हैं। बालक ने अपने पिता की बात को गंभीरता से लिया और यम के पास जाने की तैयारी शुरू कर दी। फिर वे यम के पास चले गए और यम उस समय यमलोक में नहीं थे, वे घूमने गए हुए थे। नचिकेता पूरे 3 दिन तक यमराज का इंतजार करता रहा। एक 5 वर्ष का बालक बिना भोजन पानी के यमराज के द्वार पर 3 दिन तक भूखा प्यासा इंतजार करता रहा। 3 दिन बाद जब यमराज लौटे तो उन्होंने पूरी तरह थके और भूखे, मगर पक्के इरादे वाले इस छोटे से बालक को देखा। वह बिना हिले डुले वहाँ बैठा था। वह भोजन की तलाश में भी इधर उधर नहीं गया। यमराज इस बालक के पक्के इरादे से बहुत प्रभावित हुए, जो 3 दिन तक इंतजार करता रहा, वह भी बिना कुछ खाए पिए। यमराज बोले, मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम 3 दिन से मेरा इंतजार कर रहे हो। बताओ बालक, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। नचिकेता ने सबसे पहले कहा कि मेरे पिता बहुत लालची है, वह सांसारिक सुख सुविधाएं चाहते हैं, इसलिए आप उन्हें सारे भौतिक ऐशो आराम का वरदान दें, उन्हें राजा बना दीजिए।
यम ने कहा तथास्तु और दूसरा वरदान मांगा। मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस तरह के कर्मों और यज्ञों को करने की ज़रूरत है। वैदिक साहित्यों में हमेशा यज्ञों की बात की जाती है, सारा वैदिक साहित्य ऐसा ही है यज्ञों के बारे में। यम ने उसे सिखाया कि उसे क्या करना चाहिए। फिर नचिकेता ने तीसरे वरदान में यम से कहा कि मृत्यु का रहस्य क्या होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है। यम ने कहा यह प्रश्न तुम वापस ले लो, तुम मुझसे और कुछ मांग लो बेटा, तुम चाहो तो मुझसे एक राज्य मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं तुम्हें धन दौलत और दुनिया के शहर सारे सुख ऐसो आराम दे सकता हूँ, तुम मुझे बताओ और तुम क्या चाहते हो, तुम मुझसे दुनिया की सारी खुशियाँ ले लो मगर यह प्रश्न मत पूछो। नचिकेता ने कहा कि इन सब का मैं क्या करूँगा, आप ही तो मुझे पहले समझा चुके हैं, पहले बता चुके हैं कि ये सारी चीज़ें नश्वर हैं, एक दिन इनका नाश हो जाएगा। मैं पहले ही समझ चुका हूँ कि सारे क्रियाकलाप लोग जिन चीज़ों में लिप्त हैं वे सब बेकार हैं और अर्थहीन हैं, वह सब दिखता है लेकिन हकीकत कुछ और ही है। फिर मुझे धन दौलत लेने से क्या फ़ायदा, वह तो मेरे लिए सिर्फ एक जाल है, मैं कुछ नहीं चाहता, आप बस मुझे बताइए कि मृत्यु के बाद क्या होता है। यम ने कहा इस सवाल को टालने की हर संभव कोशिश की पर वह बोले कि देवता भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। नचिकेता ने कहा कि अगर ऐसा है कि देवता भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते और सिर्फ आप ही जानते हो तब तो आपको इसका उत्तर देना ही होगा। उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और यम एक बार फिर उसे वहाँ छोड़कर 3 महीनों के लिए बाहर चले गए। वे किसी तरह इस बालक से पीछा छुड़ाना चाहते थे लेकिन बालक कई महीनों तक वहीं डटा रहा। कहा जाता है कि यमराज ने आखिरकार उसे अपने द्वार पर मृत्यु के रहस्य का ज्ञान दिया और नचिकेता को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसे अस्तित्व के सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए और उसने खुद को विलीन कर लिया और फिर वापिस पृथ्वीलोक में आकर कई शास्त्रों की रचना की। तो दोस्तों ये 5 साल के बालक की सच्ची कहानी, सत्य कहानी है। हमारे शास्त्रों में ये नचिकेता हुए हैं, किसी ऋषि के बालक थे, तो इनके दृढ़ संकल्प और पक्के इरादों से पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था इन्होंने सिर्फ 5 साल में। और उसके बाद इन्होंने 10 वर्ष की उम्र तक कई शास्त्र लिख चुके थे ये। तो आपको ये आज की कहानी कैसी लगी, शास्त्रों की कहानी है, शास्त्रों की वाणी है ये दोस्तों, तो इसे सुने और आगे भी शेयर करें। और चैनल का आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो अभी आज्ञा लेता हूँ, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय श्री राम, जय हनुमान जी की।